गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे शिरडी के और यहाँ से हमारी ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन। तो अभी हम यहाँ पे पहले कुछ खाएंगे, चाय पी वगैरह चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद में ट्रेन में बैठेंगे। और मैं दिखाती हूँ नितिन और कायरा क्या कर रहे हैं। ये रहे नितिन और कायरा जा रहे हैं, बाप बेटी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये रही हमारी ट्रेन, कौन सा डब्बा अपना C4 आगे। कितनी धूप है, कायरा की कैब भी नहीं मिल रही है इतने धूप में। हम आ गए, आउट लग गई, बगैर लगे तो कुछ होएगा ही नहीं मेरे साथ। लग रहा है सबसे पहले हम ही लोग बैठ गए, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरी ट्रेन अभी तक खाली है। देखिए हम आकर सबसे पहले बैठ गए, वैसे लोग आ रहे हैं पर ये देखिए कायरा हो लगेगी ना धमाके में, लग जाएगी बेटा। व्हाट इज दिस, ये तो ट्रेन का कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ अच्छे जी, ये पैर का फिर लगी यहाँ पे आने के, और एसी भी चालू नहीं है, बहुत गर्मी हो रही, तो हम लोग भी बाहर जा रहे क्योंकि सब लोग बाहर ही बैठे हुए। इस वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई कैंटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत भूख लग गई, हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद से फिर अभी चाय का टाइम हो गया, अभी तक हमने कुछ खाया ही नहीं। हमने सोचा स्टेशन पे खाएंगे पर हमने सोचा पहले ट्रेन के पास तो चले जाए वरना टाइम हो जाएगा, इसलिए आए। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत लग गई है। पहली बार कोई ट्रेन का चालू होने का इतना इंतजार कर रही है, पहली बार बड़ी। आइए आपका स्वागत है। क्यों सब में लगेगा, देखना मुझे बहुत तेज लगी है। कहाँ है हमारी से चुगलो, हैप्पी हो गया या दिल, गार्डन 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 हो गया। कायरू 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 कायरू, पीला पीला जुत्ता, पीला पीला टेडी बियर, येलो येलो टेडी बियर, टेडी बियर टेडी बियर। कुछ लाइट्स वगैरह चालू हो गए और मैं कुछ सोच रही हूँ एसी चालू हो जाए तो ये गर्मी से छुटकारा मिल जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो फाइनली हमारा ट्रेन चालू नहीं हुआ है, फिलहाल तो लाइट्स चालू हुए और पता नहीं एसी चालू हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि अभी भी गर्मी हो रही है और ये सब तो निकल भी नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस निकल जाएगा, निकलना पड़ेगा तो निकल जाएगा। लग रहा है कायरा एंजॉय कर रही है। ओए तुम एंजॉय कर रही हो ट्रेन में कायरा, कायरा एंजॉय कर रही हो। ट्रेन हमारी चालू हो गई होने की है, अभी आवाज आ रही है इंजन की, होएगी होएगी चालू होएगी, 1 2 3 4 बोले चल हो जाएगी। तो गाइस ट्रेन स्टार्ट होते से ही, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई उसके थोड़े ही देर बाद हम लोग को ये नाश्ता मिला है। देखिए क्या क्या मिला है, दिखा। ये मिला है आलू वड़ा, आलू वड़ा है, केचप है और ये फ्रूटी कुछ है और इसमें कुछ चकली जैसे कुछ है और ये है चाय जिससे कायरा खेल रही है और ये मुझे देने नहीं वाली क्योंकि ये फुल इसमें मस्त हो गई है और ये मेरे को बिल्कुल चाय पीने नहीं देगी। तो नितिन ने अपनी चाय बनाई है, दिखाओ। ये देखिए ये ऐसे बनती है, इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। देखो विदाउट टिकट, विदाउट टिकट बैठी खा सकते।
कायरा ने इतनी अच्छी ट्रेन को ना देसी ट्रेन बना दिया। देखो गोद में मेरे सो गए, इतना परेशान किया इसने, इतना परेशान किया, इतना रो रही थी, पता नहीं उसको पद किया। उसने चाय का पैकेट ले लिया और उसी से खेलने लगी, उसी से खेलने लगी, खेली खेली और फिर रोने लगी। बहुत तंग किया आज का, बहुत तंग करके सो गई। उसको मैंने थोड़ा सा दूध दिया और दूध में रखा ना तो थोड़ा झूला जैसे लग रहा है गाड़ी में, तो झूले जैसे की वजह से सो गई वो। और नितिन अभी गए, मैंने उसके लिए दूध बिस्किट बनाया था कटोरी में, तो उसी को वो साफ करने के लिए गए। वो सो गई तो उसने चाय का पैकेट छोड़ दिया, तो अब मैं चाय पीऊँगी। ट्रेन से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ट्रक धो रहे हैं नदी में। ये है हमारे देसी भाई, देखिए पूरा देसी स्टाइल। ये अच्छी खासी ट्रेन को तुमने देसी क्यों बना दिया? बाप बेटी ने मिलके अच्छी खासी ट्रेन को देसी ट्रेन बना दिया। पता है ऐसा लग रहा था फ्लाइट में आए हम। जब कायरा की हरकतें और नितिन की हरकतें दिखने लगी ना, देसी बन गई। वैसे ना यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब एकदम कंफर्टेबली कुर्सी पर ना, चेयर पे ऐसे सो सो के बैठ रहे हैं, ऐसे ही जैसे नितिन बैठे हैं, मैं बैठी हूँ ना वैसे, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली है, जिसको जहाँ बैठना है वो वहाँ बैठ रहे हैं। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतनी भूतन लग रही थी ना, अजीब सी लग रही थी। मैंने जैसी ही थी वैसी ही निकल गई होटल रूम से, क्योंकि लेट भी हो रहा था और नींद में भी थी। मुझे था कि पहले मुझे चाय पिलाओ फिर उसके बाद में कुछ करूँ, तो फिर मैंने चाय वाय पी लिया, तो फिर मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं। और मेरा ना क्लचर नहीं मिल रहा था, मैंने कहा था ना मेरा क्लचर नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसे जुगाड़ कर लिया है और ऐसी हेयर स्टाइल की है। मेरे ना एकदम पोनी बांधो तो चेहरा जी सब बड़ा बड़ा सा दिखता है, और ऐसे बना तो अच्छा दिखता है, तो इस वजह से मैंने ऐसे बनाया। और थोड़ा सा अच्छा किया, लिपस्टिक लगाई थोड़ा बहुत किया और रेडी हो गई। इट्स टाइम टू डिनर, तो ये आ गया है हमारा डिनर। और ये देखिए ये दोनों बाप बेटी क्या कर रहे हैं डिनर पे। वैसे आए पता नहीं क्या आया, देखना पड़ेगा खोल कर। यहाँ पे लिखा तो रहता है, मैं देखती हूँ क्या है इसके अंदर। तो यहाँ इन्होंने दिया है, आई थिंक ये पनीर है, हाँ ये पनीर की सब्जी, दाल राइस एंड रोटी, और ये है अचार। इतना सिंपल सा ठीक ठाक अच्छा खासा खाना है। तो हम लोग एक एक करके खाना खाएंगे, सबसे पहले मैं खाऊँगी और फिर मेरे खाने के बाद खाएंगे, क्योंकि नितिन कायरा को संभालेगी, और क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा, बड़ी परेशान कर रही, मस्ती बहुत कर रही है वो, तो इसलिए सबसे पहले मैं फटाफट खाऊंगी, उसके बाद लास्ट में हमें मिली थी ये आइसक्रीम जो हम खा चुके हैं, मैंने और नितिन ने, हम दोनों ने खा लिया साथ में, इस लड़की ने भी खाया। और ये आइसक्रीम के लिए इतना नाटक कर रही है, हु कर रही है ना, तो आइसक्रीम के लिए कर रही है।